गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज फिर से सुंदरखाल विलेज से एक वीडियो रहने वाली है। जैसे कि देखिए, कल नाइट में अपना जो ग्राउंड है वहां पे काफ़ी तेज़ कॉल चली थी स्पॉटेड डियर की, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ना अभी टाइगर इसी एरिया में है। तो आज भी हम वही करेंगे जैसे कि हम हर रोज़ करते हैं। आज यहाँ से फिर से 0 पॉइंट तक चलेंगे। अभी देखिए टाइम हुआ है 3 का, और 3 बजे से हम अगर आगे निकल जाएंगे तो समय पे वहाँ पहुँच जाएंगे 0 पॉइंट पे, और उसके बाद आपको वहाँ का एरिया दिखाएंगे। बताया गया है कि उस एरिया पे भी एलिफेंट का ग्रुप निकल के आया है, और कल कोसी रिवर पे टाइगर दिखा था जो वीरू भाई को दिखा था, उसके बाद वो वहीं बड़ा पुनो नाले से क्रॉस हुआ था। क्रॉस तो नहीं हुआ था, क्रॉस होने वाला था, इतने में काफ़ी पब्लिक हो गई थी उस एरिया में, तो वो एकदम से अंदर झाड़ी में चला गया था। तो वही नाइट में वहाँ से निकल कर इस एरिया में आया था। तो यहाँ पर स्पॉटेड डियर काफ़ी तेज़ चली थी कॉल, और अभी हम यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। और आज व्यू देखिए, बेहद खूबसूरत है मौसम आज का, प्यारे प्यारे बादल लगे हुए हैं। तो अभी निकलते हैं हम यहाँ से 0 पॉइंट। जबरदस्त कॉल है दोस्तों, पीछे ग्राउंड में स्पॉटेड डियर कॉल चल रही है। देखिए कहीं ना कहीं टाइगर पहुंच चुका है उस एरिया में। आप कॉल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वहाँ पे टाइगर हो सकता है। जैसे कॉल चली ना, तो दोस्तों निकल आए हैं हम आज फिर से बड़ा पनोद नाले के पास में। और मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर आगे वाइल्ड लाइफ दिखे तो। वीडियो के साथ बने रहें, अभी हम निकलते हैं यहाँ से 0 पॉइंट तक का। और आपको बता दूं, अभी बड़ा पनोद नाले के आसपास टाइगर दिखना भी मुश्किल है, क्योंकि देखिए इस एरिया पर काम चल रहा है और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है। ये पुल का काम चल रहा है, देखिए काफ़ी भीड़ है इस एरिया में, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस एरिया में टाइगर निकल के आएगा। दोस्तों मैं आ चुका हूँ देखिए बड़ा पनोद नाले से आगे, और देखिए यहाँ पे ना ये जाल वगैरह टूटा हुआ सा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए नाइट में इस एरिया में भी एलिफेंट आया है, और यहाँ पर कल भी टाइगर दिखा है। ये देखिए ये एरिया है, ये बड़ा पनोद नाले का एरिया है, कोसी रिवर से सटा हुआ एरिया है ये भी। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट अभी एनिमल्स की रहती है। ये देखिए ये पूरा घास टूटी हुई है, इधर को हो सकता है कि नाइट में यहाँ पे एलिफेंट हो। तो अभी यहाँ से निकलते हैं हम आगे के लिए, क्योंकि हमको 0 पॉइंट जाना है। तो देखिए अभी जा रहे हैं हम 0 पॉइंट, और ये एरिया ना अभी टाइगर के लिए काफ़ी मशहूर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आए दिनों शाम को या सुबह के समय में टाइगर दिखने को मिल रहा है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ 0 पॉइंट पे, और 0 पॉइंट पे देखिए एक स्पॉटेड डियर ढेर सारे इस एरिया में हैं, ये पूरा हट है इनका। और देखिए कहीं ना कहीं टाइगर भी इसी एरिया में हो सकता है, लेकिन अभी हम चलते हैं यहाँ से मोहान विलेज से होते हुए चुकम विलेज के एरिया में, क्योंकि उस एरिया में टाइगर ने गाय मारी है। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो अभी निकलते हैं यहाँ से चुकम विलेज।
तो दोस्तों जैसे कि जीरो पॉइंट पे हम थे, तो जीरो पॉइंट पे कुछ साइटिंग हुई स्पॉटेड डियर की। बाकी देखिए अभी हम जा रहे हैं इस वाले रास्ते पे, ये रास्ता आपको पता है कि साबिला होते हुए जाता है और इसमें अभी टाइगर की मूवमेंट है चुकुम विलेज के साइड में। ये काफ़ी बड़ा डाउन है, इसमें कैमरा हिला होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो अभी मूवमेंट है ना वो चुकुम विलेज में है। और चुकुम विलेज में आज मॉर्निंग में एक टाइगर ने किल किया है, एक गाय को मारा है, तो अभी इस पर साइटिंग हो सकती है उस एरिया में। तो आज इस ये वाला रास्ता अपना रहे हैं, उम्मीद है कि इसमें साइटिंग हो। ये साहबिला और नाइट जार होम स्टे है इस एरिया में, और जैसे कि ये एरिया है इसमें भी अक्सर ज़्यादा टाइगर मूव करता है नाइट में, काफ़ी बारा साइटिंग हो चुकी है इस एरिया में भी। अभी हम जाएंगे कोसी रिवर तक का, क्योंकि कोसी रिवर पे ही टाइगर मूव करते हुए दिख सकता है, क्योंकि जैसे कि उसने आज किल किया है तो गाय को खाने के लिए उस एरिया में ज़रूर आएगा, तो दिखने के चांसेस हैं। ये एरिया अपना जीरो पॉइंट वाला है, जब भी कभी भी अगर टाइगर किल करता है इस एरिया में तो यही एरिया अपनाता है खाने के लिए, गांव से लेके जाता है तो यहीं आता है, अगर मुहान विलेज से आएगा तो यहीं जाएगा। और जीरो पॉइंट तो आपको पता ही है कि टाइगर साइटिंग के लिए मशहूर एरिया है। देखिए इस एरिया में फेंसिंग भी करी गई है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, जिसमें कि एनिमल्स अंदर ना आए, ये होटल वालों ने अपनी सेफ्टी करी है। जैसे कि आप देख रहे हैं साइड में काफ़ी बड़े बड़े ग्रास है, ये लिवास है, गर्मियों में सूख जाता है, देखिए बरसातों में और जाड़ों के समय में थोड़ा बहुत हरा भरा रहता है। और इसको ना अभी सुंदरखाल ब्लेज वाले और अन्य होटल वाले, या जैसे देखिए जिसको गोल हट बनाने हैं या झाड़ के झोपड़ बनाने हैं तो उसमें यूज़ काफ़ी होता है। ये जो ये ग्रास दिख रहा है आपको लिवास है, और अक्सर ज़्यादा टाइगर इन्हीं के बीच में इस एरिया में रहता है। देखिए इस वाले एरिया में रिजॉर्ट बने हुए हैं, ये एक एरिया है ग्रास वाला, अभी हम इसमें जा रहे हैं। ये रास्ता चुकुम विलेज को भी जाता है, और नाइट में इस एरिया में टाइगर भी मूव करता है। देखिए मैं चुकुम विलेज इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उस एरिया में टाइगर ने एक गाय मारी है, उम्मीद है कि दिख सकता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से ना टाइगर की मूवमेंट चल रही है ना, तो टाइगर दिखना मांगता है, यानी कि इस एरिया में टाइगर दिख सकता है। काफ़ी बड़े बड़े ग्रास हुए हैं इस एरिया में, देखिए अभी जो एलिफेंट है ना हाथी, वो भी इसको खाने के लिए यहाँ आता है, लेकिन इस बार इस एरिया में नहीं आया है। जो एलिफेंट था वो देखा गया था जीरो पॉइंट पे आज मॉर्निंग में, देखिए चुकुम विलेज वाले हैं। ये चलता हुआ रास्ता है लेकिन कच्चा है, कोसी रिवर वाला, जब से कोसी रिवर आया है ना तब से मैं अभी इस एरिया में आया हूँ,
क्योंकि पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए मैं इस एरिया में नहीं आया था। आज मौका मिला तो आ गया, क्योंकि इस एरिया में अभी टाइगर की मूवमेंट है। आपको पता है कि जहाँ टाइगर की मूवमेंट वहाँ सुंदरखाल यूनिक पॉइंट पहुँच जाते हैं। फाइनली दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं चुकुम विलेज पहुँच चुका हूँ। और ये चुकुम विलेज आपको पता है कि मैनीटर टाइगर और टाइगर के लिए ये फेमस एरिया है। इसमें आए दिनों टाइगर देखने को मिलते रहता है। जैसे कि आपको पता है कि चुकुम विलेज कोसी रिवर के पार है, तो देखिए ये पूरा जंगल से सटा हुआ एरिया है। इसमें टाइगर क्या करता है कि गांव के जो छोटे मोटे गाय बच्चे हैं उनको तो खाने के लिए आता ही है, बाकी स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, पार्किंग डियर, इनको तो उसका खाना है ही। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि देखो, अगर गाय छूटी हुई हो ना, यानी कि जैसे कि शाम को घर नहीं गई, कई बार ऐसा होता है ना कि जो गाय है ना उसको बांधने के लिए जाते हैं, तो जैसे मीटिंग सीजन होता है ना, उनको पता है जैसे कि मीटिंग सीजन होता है तो गाय जो है ना कि भाग जाती है बैल के साथ, वो घर नहीं आती है। तो उस वो जो मौका होता है टाइगर के लिए, वो उसके लिए बेस्ट मौका होता है, उसको वो छोड़ता नहीं है। तो उस सिचुएशन में टाइगर घर तो गाय तो घर गई नहीं, जो टाइगर है वो फिर उस मौके का फ़ायदा उठा के गाय को मार देता है। क्योंकि ये पूरा जंगल का एरिया है, देखिए इधर साइड में तो जो मैंने आपको बताया था लिवास है, इसमें टाइगर छुपा रहता है पानी पीने के लिए, इस एरिया में आता है। लेकिन जो आज जो घटना हुई है, जो टाइगर ने एक गाय मारी है, वो दोस्तों आगे घोराबाग एरिया है, उस एरिया में उसने किल किया है। उसको मार के वो आगे एक नाला है जिसमें कि एक बार मैनीटर टाइगर ने एक आदमी को मारा था ना, तो वही लोकेशन है। उस लोकेशन में मैं कई बार गया हूँ, लेकिन वो लोकेशन एकदम डरावना टाइप का है उस एरिया में। लेकिन उस एरिया में जो है टाइगर रहता ही है। अगर देखिए, अगर जिस वो टाइगर का एरिया है ना, वो टाइगर का एरिया वो अपना एरिया नहीं छोड़ता है। अगर बाई चांस जैसे आप बोलोगे कि वहाँ पे मैनीटर टाइगर था, उसको उठा लिया, उसके बाद कौन सा टाइगर, लेकिन देखो जो उस एरिया में दूसरा टाइगर होता है ना, वो अपना एरिया उसको बना लेता है। अगर कोई जगह खाली छूटी हुई जगह होती है ना, उसको कोई ना कोई अपना लेता ना, तो वही देखिए ये खाली जगह थी उसके लिए, तो उसने मैनीटर टाइगर को पकड़ लिया, तो दूसरा टाइगर ने आके वो अपना एरिया बना लिया। तो उसी तरीके से अभी उस एरिया में जो टाइगर है उसने वहाँ पे गाय मारी है, क्योंकि वो इसका एरिया हो चुका है, तो अभी वहीं वो टाइगर है। तो हमको वो टाइगर एक ही 0 पॉइंट से दिख सकता है, लेकिन देखिए वो तो नाइट में निकल के आएगा इस एरिया में, क्योंकि वो अभी उसी एरिया में है, उस एरिया में यानी कि पहाड़ी वाले एरिया में। उसने वहाँ से मार के अंदर लेके गया है और वहीं मार के खाया है, थोड़ा बहुत खाया उसने, क्योंकि उस एरिया में जैसे देखो, अगर गाय कभी टाइगर मार लेता है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे जिसकी गाय होती है उसको मुआवजा मिलता है। मुआवजा इसीलिए मिल पाता है क्योंकि अगर देखो, अगर जिसकी गाय है, अगर बॉडी मिल गई उसको, तो तभी जाके मुआवजा मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। जो कान पे एक बाली होती है ना, उस पे उसका टैग नंबर लिखा हुआ होता है, उसी के द्वारा उसको पैसे मिलते हैं। देखो गाय तो मर गई और जो उसका पैसा है, मुआवजा है, वो मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि गांव वाले काफ़ी गरीब आदमी हैं, तो इस हिसाब से सरकार को उनको पैसे देने होते हैं। तो देखिए ये एरिया है चुकुम विलेज, मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अभी मेरे को समय नहीं है ना कि मैं वहां जाके उस पे जाऊं, लेकिन मैं यहां से किसी से न किसी से वीडियोस लेके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि जो टाइगर ने एक गाय मारी है, उसमें टाइगर भी दिखाया निकलते हुए, जब उसने उसको मार के जैसे गांव वाले पहुंच गए थे, जिसकी गाय थी वो पहुंच गए थे, तो एकदम से टाइगर मूव करके अंदर जंगल में गया। फिर उसके बाद उसको दोबारा, जब गाँव वालों ने अपना उस गाय की बॉडी देख ली थी, उसके बाद उसको टाइगर दोबारा अपने पास खींच के लेके चले गया। तो उस वीडियोज़ को मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, अगर कोई भाई मिल गया जिसने मेरे को वीडियो दे दी, तो उसको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं उस एरिया में नहीं जा सकता, क्योंकि ये एरिया उसे भी शाम हो जाएगा मेरे को वहाँ पहुँचते, और ख़तरे का तो है ही, क्योंकि देखिए अगर मैं वहाँ से नाइट में निकलूँगा तो कहीं ना कहीं टाइगर इसी एरिया में हो सकता है। तो अभी देखिए हम यहाँ से निकलते हैं घर के लिए, तो आज की वीडियो भी यहीं समाप्त करते हैं। तो कैसे लगी आज की ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।